बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्टार स्टूडियो। हम कर रहे हैं 8th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 2.8 का आज हमने चौथा सवाल करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10092 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। सपोज उसकी अगर चौड़ाई x मीटर है तो उसकी लंबाई 3x मीटर है। एक x यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, ये उसकी लेंथ है या लंबाई है l। फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसका हमने अहाता मालूम करना है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, इस मुस्ततिली फील्ड का। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया गया है? 10092 मीटर स्क्वायर। अब हमने इसका मालूम करना है अहाता, एरिया दिया गया है, अहाता हमने मालूम करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये हमने मालूम करना है। हम जानते हैं, या इधर हम लिखेंगे एज पेरीमीटर जो है वो बराबर होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ, या ब्रिड्थ भी इसे कहते हैं। ये अहाता, ये पेरीमीटर का फार्मूला ये है, लंबाई जमा चौड़ाई ज़रब 2 × 2। तो हमारे पास तो ना वो उसकी चौड़ाई दी गई है ना उसकी लंबाई दी गई, लिहाजा पहले आप किस तरीके से उसकी लंबाई चौड़ाई मालूम करेंगे, फिर इस फार्मूले में लगा देंगे तो उसका हमें पेरीमीटर मालूम हो जाएगा। लेट इट्स विड्थ इज इक्वल टू एक्स मीटर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक लेंथ इज इक्वल टू 3 × x 3x। नाउ एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ कितनी है? 3x मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है? 1x इज इक्वल टू 10092। तो ये 3x ज़रब x, ये कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 10092। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 10092/3। 3 से इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 3364 मीटर स्क्वायर। क्या है? मीटर स्क्वायर। अब इसका x मालूम करने के लिए x इज इक्वल टू 3364 स्क्वायर रूट, इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। कैसे करेंगे? 3, 3, 6, 4 जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये वाला, एक ये वाला, ऐसे बाहर कौन सा लिखेंगे जिसका स्क्वायर 33 या 33 के करीब करीब हो? अगर 6 लिखते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इसलिए 5 लिखेंगे, 5 × 5 = 25। नफी करेंगे 13 में से 5 8 बच जाएगा, ऊपर से 64। अगले स्टेप में ये 2 गुना हो जाएगा, इस 5 में 5 जमा कर देंगे, ये हो जाएगा 10। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साफ नज़र आ रहा है कि ये 64 8 से ही बनता है, तो 8 × 8 = 64 और 8 × 0 = 6 हो जाएगा, और 8 × 1 = 8 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके x की वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 58। 10 पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × चूंकि चौड़ाई इतनी है तो इसकी l कितनी होगी? 3 × 58 कितनी हो जाएगी? ये 8 × 3 = 24 और 3 × 5 = 15 और 2 × 17 = 174। 174 जमा 58, 2 × 8 = 12 और 5 × 7 फिर 12 और 1 कैरी वाला 13 और 1 × 1 = 2। 232 × 2 कितना हो जाएगा? 464 मीटर। जी जनाब, अब मैं इसको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड हमें दिया गया है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, 5
फर्ज करो उसकी चौड़ाई एक्स, हमने एक्स मीटर फर्ज की है, चौड़ाई हमें दी नहीं गई, तो उसकी लंबाई जो होगी तीन गुना से क्या हो, तीन एक्स के बराबर होगी, एक एक्स दूसरा एक्स तीसरा एक्स, लेंथ उसकी ये तीन गुना के बराबर है। उसका एरिया हमें दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये इतना दिया गया है मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर हमने मालूम करना है, पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला क्या है, टू इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अच्छा अब हम लिहाजा जो है ना उसकी विड्थ हमने एक्स मीटर फर्ज की है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेंथ उसकी चौड़ाई का तीन गुना है, थ्री एक्स है, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर फील्ड होता है वो लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो लिहाजा वो हमें दिया गया है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, थ्री एक्स स्क्वायर हो गया है, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो उसका एरिया दिया गया है, एक्स तीन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर तकसीम हो जाएगा, ये 33-64 आ गया एक्स स्क्वायर, और इसका जजर लेने से हमारे पास एक्स की यानी उसकी चौड़ाई आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई, तो लंबाई एल कितनी होगी उसको तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे 174 होगी। अब हम इससे हमारे पास अब चौड़ाई भी आ गई है, लंबाई भी आ गई है, तो हम उसका पेरीमीटर या आयतन मालूम कर सकते हैं, दो इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, दो इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई को जमा किया है तो वो 232 बन गया है, उसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 232 ज़रब दो 464, तो लिहाजा उस रेक्टेंगुलर फील्ड का अहाता जो है वो 464 मीटर है। जी जनाब, ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी अगली वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।